नमस्ते, मेरा नाम है वैभव गोस्वामी और आज हम सीखने जा रहे हैं यूजर ग्रुप्स इन कुका रोबोट। कुका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग फंक्शन अवेलेबल है जो कि डिपेंड है कि हम किस यूजर ग्रुप के अंदर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हम कौन सा यूजर ग्रुप कहाँ यूज करना है यह देखेंगे। फर्स्ट है यूजर और ऑपरेटर ग्रुप। यह ऑपरेटर के लिए बना है जिसके अंदर हम रोबोट ऑपरेट कर सकते हैं मगर प्रोग्राम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। यह एक डिफॉल्ट यूजर ग्रुप है। सेकंड है एक्सपर्ट ग्रुप। यह प्रोग्रामर के लिए बना है जिसके अंदर हम रोबोट को प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर कोई कमेंट ऐड करना है, लूप यूज करना है, इनपुट आउटपुट कंडीशन इंसर्ट करना है, इस तरीके के टास्क करने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप के अंदर लॉग इन करना जरूरी है। यह एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड ग्रुप है। थर्ड है सेफ्टी रिकवरी ग्रुप। रोबोट सेफ्टी कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट या कॉन्फ़िगर करने के लिए यह यूजर ग्रुप है। यह एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड ग्रुप है। फोर्थ है सेफ्टी मेंटेनेंस टेक्नीशियन। यह सेफ्टी मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए बना है जिसके अंदर सेफ्टी रिलेटेड मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग वर्क किया जाता है। यह एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड ग्रुप है। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटर। एक्सपर्ट ग्रुप के अंदर जो भी फंक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर भी अवेलेबल है। इस यूजर ग्रुप के अंदर हम एडिशनली रोबोट कंट्रोलर के अंदर प्लगइन इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लगइन यह सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो कि न्यू फीचर्स ऐड करता है या तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर रोबोट की फंक्शनलिटी एक्सटेंड करता है। जब सिस्टम बूट होती है तो डिफॉल्ट यूजर ग्रुप जो कि ऑपरेटर ये सिलेक्ट होता है। अगर टीच पेंडेंट के ऊपर कुछ पर्टिकुलर समय के लिए एक्शन परफॉर्म नहीं होती है तो रोबोट कंट्रोलर डिफॉल्ट ग्रुप जो कि ऑपरेटर ग्रुप है इसमें स्विच करता है। द डिफॉल्ट सेटिंग इज 300 सेकेंड। यूजर ग्रुप का पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें मेन मेन्यू के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करना होता है। हम यूजर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें पासवर्ड चेंज करना है। कंट्रोलर हमें ओल्ड पासवर्ड पूछेगा, हमें ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, न्यू पासवर्ड 2 बार एंटर करना है। यह केस सेंसिटिव होता है। इसके बाद हमें ओके प्रेस करना होता है। यहां तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया, अब हम प्रैक्टिकली यह देखेंगे यूजर ग्रुप कैसे चेंज करना है। तो ये देखो, ये इफ लूप प्रोग्राम क्रिएट हो गए, तो इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो, अभी मुझे एडिट करना है हाँ, तो ये एडिट की की जो है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो एडिट की ये की क्लिक करने के बाद ये देखो, मैं कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं यूजर ग्रुप में हूँ। अभी मुझे एक्सपर्ट जो यूजर है उसके अंदर लॉगिन करना होगा, तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे क्लोज कर दूंगा मैं। सो मेन्यू के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूजर ग्रुप एक्सपर्ट, इसका कुछ पासवर्ड होता है, तो बाय डिफॉल्ट कुका ये पासवर्ड है। तो ये लॉगिन हो गया है। अभी द लॉग ऑन यूजर स्विच फ्रॉम द ऑपरेटर टू एक्सपर्ट, तो हम ऑपरेटर मोड से एक्सपर्ट मोड की तरफ स्विच कर चुके हैं।